हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग टेक्निक इंडिया। तो यार ये वीडियो है अबाउट दिस किंग वन एंड्रॉयड स्टाइलस, जो कि दुनिया में सब वेट कर रहे थे लिटरली ये वीडियो के लिए। यार मेरे को पिछले एक दो साल से लोग कह रहे हैं कि कोई ढंग का एंड्रॉयड स्टाइलस हो जो कि बिल्कुल एप्पल पेंसिल ऑल्टरनेटिव जैसा दिखता हो, वैसा कुछ ढूंढ के लाओ। तो यार ये किंग वन ने मेरे को भेजा है और ये है किंग वन का स्टाइलस और ये है इसका बॉक्स। बॉक्स के अंदर सबसे पहले मैं बता देता हूँ क्या क्या मिलने वाला है। एक मिलेगी टाइप सी से यूएसबी केबल इसको चार्ज करने के लिए, तीन एक्स्ट्रा टिप्स विच इज़ गुड कि तीन एक्स्ट्रा टिप्स मिल रही हैं और उससे आपको लॉन्जिविटी एक्स्ट्रा मिल जाएगी। इसके साथ एक ग्लव्स फ्री आता है क्योंकि ऑब्वियसली ये पाम रिजेक्शन उतने बेस्ट तरीके से खुद से सपोर्ट नहीं कर सकती, तो इट नीड्स अ ग्लव। और ये ग्लव वाला जुगाड़ है, बट यार मेरे को लगता है अगर इन्होंने बना दी है वो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नहीं आ रही थी भाई, बहुत लोग परेशान थे। तो ग्लव्स को पहनना बहुत आसान है, सिंपल है, दो उंगलियों के अंदर आपको इसको डाल लेना है सिंपली जस्ट लाइक दिस। और इससे क्या होगा, बेसिकली आपको ये वाला जो एरिया है ना वो पाम जो है यहाँ पे रहेगा और आप इजीली ड्राइंग कर सकते हैं इससे। और इसके साथ एक मैनुअल भी आई थी साथ में और ये रही मैनुअल, इसको हम कर देते हैं साइड में। और ये रहा हमारी पेंसिल जिसके अंदर आपको एक मिलेगा टाइप सी वाला जो आपका उसको बचा के रखने के लिए कैप इसकी। और इसके अलावा ये है पेंसिल कम्प्लीटली वाइट कलर की यहाँ पे है और प्राइस इसका लगभग 2000 के आसपास रहता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर वहाँ से लोगे तो मेरा थोड़ा फ़ायदा होगा, आपका नुकसान नहीं होगा। एक बार चला के दिखा देता हूँ मल्टीपल डिवाइस पे, टैप से ऑन हो जाएगी, टैप से ही ऑफ हो जाएगी, सिंपल सी चीज़ है ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं आईपैड। आईपैड के ऊपर यार चला के दिखाना चाह रहा हूँ, तो अगर आईपैड पे चलाना चाह रहे हो ना तो नॉर्मली तो ये पेंसिल एक बार ऑन करके आप ऊपर नीचे तो नॉर्मल चला सकते हैं, बट अगर आपको ड्रॉ करना है तो ओनली ड्रॉ विद एप्पल पेंसिल यहाँ पे ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि ये एप्पल पेंसिल नहीं है और एक अल्टरनेटिव भी एप्पल पेंसिल अल्टरनेटिव नहीं है, तो हाथ से भी बेसिकली ड्रॉ हो सकता है। तो अगर हम लिख के देखेंगे तो यहाँ हेलो ठीक ठाक तरीके से लिखा जा रहा है, जस्ट लाइक आपकी नॉर्मल एप्पल पेंसिल अल्टरनेटिव। पाम रिजेक्शन वाली चीज़ आपको करनी है तो ऐसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं और पाम रिजेक्शन भी आपको यहाँ ठीक ठाक देखने को मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा अगर स्क्रीन पर हाथ रहोगे ना तो चलाने में आपको थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है कभी कभी, बट जनरली आपको कोशिश ये करना कि आप कम से कम स्क्रीन पर टच रखें। बट हाँ, अगर जैसे कि मैंने अभी करके भी दिखाया, अगर होगा भी सही तो भी काम चल जाएगा, बट हाँ अगर ज़्यादा हाथ पूरा ऐसे दबा के चलाओगे तो डेफिनेटली थोड़ी दिक्कत कभी कभी देखने को मिल सकती है। बट अगर आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है तो डेफिनेटली ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है, बट आईपैड्स में तो यार ऑल्टरनेटिव एग्जिस्ट करते हैं। तो लेट्स गो ऑन टू समथिंग लाइक एन एंड्रॉयड फ़ोन। अब एंड्रॉयड फ़ोन पर हम आ जाते हैं, जो कि यहाँ ये है मेरा शाओमी का 12 Pro और इसके अंदर डेफिनेटली हमारे पास कोई पेंसिल सपोर्ट नहीं है, तो हम इससे पेंसिल का बढ़िया काम कर सकते हैं यार, मस्त लिखती है ये पेंसिल उसके ऊपर और कोई भी ऐसी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी अगर आप एंड्रॉयड टैबलेट्स या एंड्रॉयड फ़ोन पे ये यूज़ करना चाहते हैं। और थोड़ी सी यहाँ ब्राइटनेस में बढ़ाता हूँ, फ्लिकरिंग इफेक्ट आ रहा है बिकॉज ये एमोलेड डिस्प्ले है, बट ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ी देर आपको इस पर लिखा के दिखा सकते हैं हम डेफिनेटली, और कोई भी दिक्कत नहीं आती है ऐसा लिखने वाइज। हाँ, अगर स्क्रीन पे आपने हाथ रखना है तो रख भी सकते हो, उसके बाद भी लिख सकते हो क्योंकि पाम इंजेक्शन इससे मिल जाता है, बट हाँ उतना वर्ल्ड क्लास पाम इंजेक्शन नहीं है, क्योंकि यार जो भी कह लो ये है तो एक जुगाड़ ही, बट हाँ काम आपका कर देगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे आप अपने आईफोन्स पे भी लिख सकते हैं विच इज़ अमेजिंग। ये है मेरे पास मेरा iPhone 13 mini which obviously doesn't support Apple Pencil, तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया है ऑप्शन और यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ इसको। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हेलो टेक्निक को मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो अगर आप अपने iPhones पे, Android phones पे, किसी पे भी लिखना चाहते हैं, ड्राइंग करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली दिस इज़ नॉट अ बैड ऑल्टरनेटिव, काफ़ी ठीक ठाक ऑल्टरनेटिव है। प्राइस 2000 रुपये का यहाँ रखा गया है, 2000 रुपये मुझे लगता है कि थोड़ा ऑन हायर साइड है प्राइस। क्यों, इसका रीज़न है क्योंकि जो जिस प्राइस में आपको ये मिल रहा है और ये 100% मतलब आपको बिना ये ग्लव्स के नहीं दे पा रहा है, विच इज़ वाई मेरे को लग रहा है अगर ये ग्लव्स के बिना चल जाता ना तो फिर मैं इसको बोलता शायद ये 2500-3000 में भी वर्थ होता। बट ठीक है यार, अगर मैं ऐसे नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि दिस इज़ अ फर्स्ट जनरेशन काइंड ऑफ अ पेंसिल, तो डेफिनेटली इट्स वेरी वेरी डिसेंट और आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं एट दिस प्राइस पॉइंट। और इतना भी वो नहीं है कि अगर आपने हाथ ऊपर रखा भी है तब भी नहीं लिख पा रहे, लिख पा रहे हो, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आती है। कोई क्वेश्चन हो आप मेरे से डेफिनेटली पूछ सकते हो। और एक चीज़ और, दो तीन चीज़ें और मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको, जो कि है इसकी रिप्लेसमेंट टिप, बहुत सिंपली रिप्लेस हो जाती है। और मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये आपको यहाँ से ओपन करने के बाद ऐसा कुछ निब मिलने वाली है और ये निब ऐसे ही आप उसको दोबारा लॉक करके बंद कर सकते हैं।
डेढ़ घंटा इसका चार्जिंग टाइम है। एक बार ये चेकलिस्ट को भी चेक कर लेते हैं क्योंकि हम ये हमेशा एप्पल पेंसिल ऑल्टरनेटिव साथ करते हैं, तो लेट्स डू इट इन दिस वे एज वेल। स्क्रिबल इसके अंदर आपको नहीं मिलने वाला है, बट ऑब्वियसली आप अगर इसको आप अपने आईपैड के लिए तो डेफिनेटली नहीं ले रहे हैं, तो मैं पहले ही बता देता हूँ, डजंट रियली मैटर। टेल्ट सेंसिटिविटी यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी, पाम इंजेक्शन आपको विद ग्लव्स यहाँ देखने को मिल जाता है, विच इज नॉट बैड, और अगर मिल रहा है तो देन इट इज गुड इनफ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इसके अलावा बैटरी लाइफ आपको मिल जाएगी इजीली 15 घंटे के आसपास, और सपोर्टेबल डिवाइस इसके अंदर है, कुछ भी सब कुछ सपोर्ट होता है, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग इन दिस डिवाइस। तरीके से बना गया है कि आपका काम कर देगा। और इसके अलावा एक्स्ट्रा टिप्स इसके अंदर 3 आपको इजीली मिल रही है। पेन टिश्यूज मुझे अभी तक तो नहीं लगे, 1 महीने से ऊपर हो चुका है मुझे इसको यूज़ करते हुए। और ब्रांड्स इसके अंदर किंग वन ही आता है इस टाइम पे करंटली अवेलेबल। अगर आप आर्टिस्ट हैं तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि ये वर्ल्ड क्लास है आपके लिए, बट हाँ थोड़ी बहुत नोट टेकिंग करना चाहते हैं आपको है कि भाई मेरे को नोट टेकिंग करनी है और कुछ ना कुछ लिखना होता है हैंड, मतलब कुछ काम करने के लिए आप कुछ PDF पे साइन करना चाहते हैं, वैसी कुछ काम के लिए आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बैड पेंसिल, ड्यूरेबिलिटी इसकी ठीक लग रही है। मैग्नेटिकली ये स्टिक हो जाती है, दो इट डजेंट रियली मैटर क्योंकि आईपैड्स के लिए तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा लेने के लिए। इसके बेटर किंग वन की बहुत बढ़िया पेंसिल्स हैं जो, या फिर अमेजोन बेसिक्स हैं जो आप कंसीडर कर सकते हैं। कनेक्ट करना कुछ भी नहीं है, सीधा ऑन करना है और चलाना है। स्क्रीन प्रोटेक्टर मैं कहूंगा लगा लेना, और ये हर जगह सपोर्ट करती है, विच इज वेरी वेरी गुड। कोई क्वेश्चन हो आप मेरे से डेफिनेटली पूछ सकते हो, और नहीं तो फिर मिलेंगे यार नेक्स्ट वीडियो के अंदर।